हेलो बच्चों, चलिए भाई आज हम शुरू करते हैं कैपेसिटर के न्यूमेरिकल का अगला पार्ट। पिछले काफी कुछ बता चुके थे, धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे जिससे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल हमारे आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो उसी क्रम में आज बताएंगे अगला न्यूमेरिकल जो डिफरेंट टाइप का है। हम कई टाइप के न्यूमेरिकल बता चुके हैं, आज नेक्स्ट टाइप का देखिए जो क्वेश्चन मिलता है हमको बुक में, तो उसमें देखिए। जैसे मान लो क्या है, हमारे पास कई सारे, एक तो क्या है इनफाइनाइट, अगर हमारे इनफाइनाइट कैपेसिटर दिए हैं तो इनफाइनाइट कैपेसिटर को जोड़ा जाए तो उस प्रकार से कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वी हैव डिस्कस दिस इन लास्ट लेक्चर। ओके, तो और देखिए अगला जो हमारा सर्किट है देखो कुछ इस टाइप से है। बाएं क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन क्या हो गया, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए बी इन गिवन सर्किट, बनाई पड़ती गई इन गिवन सर्किट। ठीक है, देखो ये हमारी सर्किट है, सर्किट से बनी देखिए सर्किट या चल गए। इफ All the capacitors, if all the capacitor having या capacitors are identical, देखो कोई नहीं हमेशा identical ही रहे, हाँ identical and having capacitance, इतना मान लीजिए सबका सी है। अब सी चाहे जो वैल्यू डाल दो, यहाँ जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, हम सी की चाहे जो डाल देंगे वैल्यू उससे आपका निकल जाएगा। ठीक है, फिगर मार देखो, फिगर मार क्या है ये देखो, इसने सबसे पहले एक कैपेसिटर हो गया, अगले में क्या है दो है, अगले में क्या है चार है। ठीक है, अगले में क्या होगा फिर आठ होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या हो गया ये अगले में ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक, महात्मा से बहुत सारा इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर देखो एक का से भी इनफाइनाइट हो गया ना, यहाँ सी है, सब का वैल्यू क्या है सी है, यहाँ पॉइंट आपका हो गया ए, यहाँ पॉइंट क्या हो गया बी, क्रम क्या है पहले में कितना हो गया सी, दूसरे में कितना हो गया सी सी टू सी, पहले कितना हो गया 4c, फिर क्या हो गया 8 आएगा, फिर क्या 16 आएगा, फिर क्या 32 आएगा, फिर 64 आएगा, चलता जाएगा। अब तो क्या है, अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि एक ऑर्डर बंद कर दे, हाँ दे दिया लास्ट से 664 बंद कर दिया, ठीक या 128 बंद कर दिया, या 256 बंद कर दिया, नहीं या क्या दे दिया इनफिनिट, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दे देगा उसमें इफ लास्ट रो है 256 कैपेसिटर, पहले कितना हो गया 1, दूसरे में 2, फिर क्या 4, फिर 8, फिर क्या हो गया 32, 16, 32, 64, 120, यहाँ क्या ले लिया इस प्रकार से इन्फिनिटी पे पहुंच गया। ये भी देखो अपने बिल्कुल क्या है एक अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, चलो मैं निकालो सोल्यूशन, देखो फटाक से देखिए, कठिन नहीं आसान है। देखो जो क्वेश्चन देखने बहुत लंबा लग रहा है, जान लो उसका बहुत आसान है, ठीक मान लो बस, बल्कि आसान वाली बड़ी कठिन हो जाती है कभी कभी। देखो यहां से पहले ब्रांच कितना सी अकेला है, दूसरे कितना है सी सी, इसका कितना हो गया, इसका हो जाएगा निकालेंगे इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/5c आएगा ना, सी अपॉन 2 आ जाएगा, आएगा ठीक, तीसरे कितना हो जाएगा सी अपॉन 4 आएगा। इसमें क्या हो गया, अगर यहां लिया जाए कि पहले देखो इक्विवेलेंट क्या लेंगे, क्या लिखा है अगर निकालने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन डिफरेंट ब्रांच, कई ब्रांच है ना, कई शाखाएं इसकी है, पहले क्या हो गया सिंगल कितना भाई आएगा अकेला, दिशा सी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे कितना आएगा सी टू में,
एक निकालते हैं अपान सी टू कितना आ जाएगा, वन अपान सी प्लस वन अपान सी इक्वल टू टू अपान सी, सी टू कितना आ गया सी बाई टू आया। सिमिलरली अब सिमिलरली चलेगा, तीसरे में कितना आएगा चार है ना, क्योंकि वन अपान सी वन अपान सी वन अपान सी वन अपान सी चार बार करेंगे तो सी बाई फोर आ जाएगा। ऐसे क्या हो गया सी फोर कितना आएगा आपकी आठ आ जाएगा, पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा, क्लियर हुआ समझ में आया। अब क्या हो क्या सबका सम कर देगी, मैंने क्या देखो इसके सारे पैरेलल में है, क्या होता है पैरेलल में, पैरेलल क्या जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री ना सिंपल, देर पर क्या फाइनली अब कौन कहाँ पहुंच रहे हैं अब पहुंच रहे हैं फाइनली पर, ऐसे जाएगा जैसे जाएगा सी वन पहुंचता रहेगा ठीक है, ये सी इनफिनिटी में जाएगा ऐसे पहुंचता रहेगा जीरो हो जाएगा सी वन इनफिनिटी आ जाएगा। देखो क्या देखो ये अब फाइनली क्या हो गया, फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा फाइनली क्या लेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी कितना आ गया आपका भी सी आ जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कहाँ जाएंगे सी इन्फिनिटी तक, हमने कहा था ना इनको जीरो हमेशा इन्फिनिटी रहे गांठ को कहीं प्रकृति बंद बंद भी कर सकता है ठीक है। चलो भाई यहाँ कितना सी निकालना है, पहला हो गया सी, दूसरा कितना हो गया सी बाई टू, तीसरा क्या हो गया सी बाई फोर, अगला क्या हो गया सी बाई एट, अगला क्या छोटा है ना इस क्लास से इन्फिनिटी में चला, यहाँ कुछ कॉमन है कोई यार इसको सीरियस मान लो क्या मान लो सीरियस मान लो क्योंकि सी नहीं फाइन करोड़ हो जा रहा है ना, इक्विवेलेंट क्या मान लिया यहाँ लिखो क्या सी इक्विवेलेंट जो और अच्छा रहेगा सी क्या हो गया इक्विवेलेंट आ गया चलिए कितना हो गया भैया सी क्या ले लिया कितना वन आ गया वन बाई टू आ गया वन बाई फोर आ गया वन बाई एट आया है सुमा। अभी ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन में यहाँ अगर जैसे पहुंचा बहुत लग गई झाला बहुत सारा तो वहां कोई ना कोई सीरीज बनेगी, अब सीरीज दो होगी थोड़ा मेरा पर्पज ये था इसको बताने का अच्छा सीरीज जान जाइए, सीरीज दो बनती है एक होती जीपी एक होती क्या है ए ठीक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्यादा जबरदस्ती ठीक है। अर्थमेटिक क्या होता है थोड़ा हल्का आगे ले जिसमें जिस मैंने कहेंगे फिर जैसे क्वेश्चन दिक्कत ना आवे ऐसे क्वेश्चन उसमें आया था अर्थमेटिक का इलेक्ट्रिक फोर्स वाले में क्वेश्चन में दिया था कुछ बच्चे लगाए गए थे क्वेश्चन 20 का याद था तो एसी वर्मा का ठीक है। वहां क्या आता है उसमें जो मैं थोड़ी जानते हैं डाउट दिक्कत होती है तो सब लोग जान जाइए, तो इसे मान लो इसमें क्या है जैसे दिया रहा है कोई उसमें आता है कॉमन डिफरेंस क्या आएगा जो सीरीज बनेगी पहला फर्स्ट टर्म ए हो गया दूसरा क्या हो गया ए प्लस डी हो जाएगा ए प्लस डी अगला टर्म क्या हो गया ए प्लस टू डी एंड चलता है इस बात से चलता जाएगा ठीक। तो यहाँ क्या हो गया यहाँ पहचान कैसे पहचानेंगे पहचानते कैसे हैं इन दो माइनस करो डी आएगा इनका माइनस वही आएगा अगला माइनस ये पहचान है ए पी का क्या है ये पहचान है ए पी का। अब इसके अगर एन टर्म है कितने टर्म है एन टर्म है तो उसका सम का फॉर्मूला होता है क्या होता है एन बाई टू और बोली प्लस टू ए देखो भाई ये इसका सम होता है सही है ना ए एस एन एन टर्म का अगर सम आज सम होता किसकी तो है ए पी होता सम होता है सबका जोड़ेंगे यहाँ क्या हो गई एपी यहाँ भी हमारा पता जाए अक्सर दिया था एपी दिया था सही जीपी जीपी क्या है जीपी में दो टर्म का रेशियो लेते हैं ध्यान दीजिए क्या है वन बाई टू बाई वन वन बाई टू आएगा वन बाई फोर बाई वन बाई टू फिर वन बाई टू आएगा वन बाई एट वन बाई फोर फिर वन बाई टू आएगा। अगर कहीं दो टर्म का रेशियो सेम आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं तो उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं जीपी बोलते हैं क्या बोलते हैं जीपी पहला तरीका ये है जैसे देखो अगर दे दिया जाए वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट प्लस सिक्सटीन क्या आता है यहाँ से जीपी है क्यों जीपी है टू बाई वन टू आया फोर बाई टू एट बाई फोर सिक्सटीन बाई एट सब में क्या सबको डिवाइड करने के बाद सेम आ रहा घटाने से नहीं आएगा अगर हर आगे वाले टर्म को पिछले से घटाने पर सेम आ जाए देन एपी और अगर मान लीजिए क्या है अगर दोनों को डिवाइड करने सेम आ जाए क्या होता है जीपी होता है क्लियर हुआ। और देखो कि 100 में दो आ रहा ना
कितना दो आ रहा है, तो जो सपोज 4/8 2 आया, 16/8 2 आया, उसे जो आ रहा उसे बोलते क्या, उसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कॉमन रखिए रेशियो। क्लियर हुआ, यहाँ कितना भैया इसमें कितना आएगा, इसमें कॉमन रेशियो कितना आएगा, यहाँ कॉमन रेशियो आएगा कितना, ये आएगा कितना 1/2। दो दो चीज है इसमें आर से, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया, इसलिए इसके सम का जो फॉर्मूला भी होता है, अगर कॉमन रेशियो 1 से कम है तब क्या लगाएंगे, अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो क्या लगाएंगे, ठीक है, अगर टर्न इनफाइनाइट है तो क्या लगाएंगे, टर्न एन है तो क्या लगाएंगे, ये धारणा जरूरी है। ठीक है, समझ में क्लियर हुआ। अब देखें यहां से, जब क्या है नंबर वन, क्या है नंबर वन, क्या पहला, व्हेन कॉमन रेशियो, नोट कर लो इसको कहीं पे, कॉमन रेशियो किसमें, इन केस ऑफ जीपी में कॉमन रेशियो इज क्या हो गया, लेस देन वन, लेस देन कितना हो जाए, 1 हो जाए, अगर एक से कम है, ठीक है ना, मीन्स यहाँ क्या हो गया, मीन्स यहाँ हो गया आर अगर लेस देन 1 है तो यहाँ नंबर वन ए फॉर क्या है, अगर एन टर्न जोड़ना है, एन टर्न को जोड़ना है, एस एन इक्वल टू कितना होता है, एस एन इक्वल टू होता है ए आर पावर एन माइनस 1 अपान होता है आर माइनस 1, उल्टा हो गया भाई, क्या सही है, अगर एक कम है ना तो उल्टा कर दिया हमने, इसको उल्टा लिखो, बात यही आती, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस आर पावर एन अपान कितना 1 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, बात वही है, लिखो मैंने कोई नहीं, कोई खास नहीं पड़ता है, और जो लगा दीजिए, हाँ ठीक है। और क्या है बी, फॉर क्या, फॉर इनफाइनाइट टर्म, तब क्या हो जाएगा, तब तो एस एन इक्वल टू होता है ए अपान 1 माइनस आर अपान खत्म। दो फॉर्मूला नोट कर लीजिए इसको, अगर इन्फिनिटी है, वैल्यू कितनी है, अगर आर वैल्यू 1 से कम है, कॉमन रेशियो 1 से कम है, यही लगाएंगे, दो फॉर्मूला का काम कहीं नहीं देगा फिजिक्स में, दो फॉर्मूला चाहिए, अगर तीसरा नहीं होना चाहिए तीसरा फॉर्मूला, आज इसमें क्लियर आया समझ में, चलिए ठीक है बढ़िया। सेकंड केस क्या है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, क्या भाई जीपी है माने ज्योमेट्रिक, क्या होता है इसे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड व्हेन कॉमन रेशियो, व्हेन कॉमन रेशियो आर क्या मोर देन 1 हो जाए, जैसे ये वाला ना, ये वाला एग्जांपल दिया, इसमें कितना 2 है ना, कभी कभी आर क्या है, आर वैल्यू क्या है 1 से बड़ी आती है, कभी वैल्यू आर 1 से छोटी आती है, ये क्लियर करना, मेरा पर्पज में नहीं करके आपको ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए अगर एक से अगर तब क्या हो गया, पहला फॉर्मूला कि मीन्स व्हेन कॉमन रेशियो इज मोर देन 1, यहाँ क्या हो गया इज मोर देन 1 कितना हो जाएगा, आर मोर देन 1 हो गया। अब फॉर्मूला ये बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कितना होता है, ये होता है आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस, देखो यहाँ आर ये क्या भाई, ये क्या है, ये बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ठीक है। और अगर मान लो इन्फिनिटी आ जाएगा तो क्या करेंगे, सिंपली भैया ये सब सेम रहेगा, यहाँ आर माइनस 1 क्या कर देंगे, यहाँ पे यहाँ कर देंगे आर माइनस 1, आयु जिसने क्लियर, दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए ना। ये फॉर्म कब ध्यान दीजिए, कब अगर इन्फिनिटी का सम है या एन का सम है, क्या चेक करना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है या आर की वैल्यू 1 से छोटी है, देन यू कैन फाइंड दिस थिंग, अब तो कर लोगे ना, आगे समझ में मिटाए इसको। चलिए चलो भाई देखो, यहाँ कितना हो गया, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना हो गया, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1, ये अंडरस्टूड है, ठीक है 1, कॉमन रेशियो कितना हो गया, यहाँ चले तो क्लियर, चले तो समझने के लिए कोई बात नहीं है, ए इक्वल टू 1, आर इक्वल टू कितना 1/2, देयरफॉर सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी आ जाएगा इनटू हमला हो गया ए अपान, ए हो गया 1 अपान 1 माइनस 1/2 कर दोगे, ठीक है ना, यहाँ लिखो सिंस एस एन इक्वल टू एक ए अपान 1 माइनस आर होता है, जल्दी सोचिए ना, कितना आ गया सी, आ गया 1 अपान 1 माइनस कितना भाई, भाई कितना 1/2 आ गया ना, 2 जाएगा ऊपर भाई, कितना आ गया, हो गया आंसर, काम खत्म, ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, यू कैन फाइंड, क्लियर हुआ, चलिए अच्छी बात है। चलो भाई ये सवाल देख लेते हैं, एक सवाल जो पढ़ से
हाँ देखिए, फाइंड फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए बी एंड, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन सी डी, क्या निकालना है, फॉर्मूला बी सी माइनस बी डी निकालना है, ठीक है, क्लियर हुआ, इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर, फिगर बनाओ फिर भाई, ये फिगर हो गया आपका, क्या बना दिया, ये फिगर हो गया, यहाँ दिया है वोल्टेज दिया है सेल दिया है जोड़ दिया इसको, ए पॉइंट हो गया आपका ए, यहाँ ले लो ए, इसे चाहे यहाँ ला जोड़ दो ऐसा जोड़ दिया, ठीक है, ए पॉइंट हो गया ए, ए पॉइंट हो गया बी, यहाँ हो गया सी, यहाँ क्या हो गया डी, ठीक, वैल्यू कितनी हुई, एट और फोर है, वैल्यू कितनी वाली यहाँ पे, ये हो गया 8 माइक्रो फैराड, ये हो गया 4 माइक्रो फैराड, ये हो गया 3 माइक्रो फैराड, ये हो गया 6 माइक्रो फैराड, ठीक है, और सेल लगी है 12 वोल्ट, सेल का लगी है 12 वोल्ट, क्लियर, पहले क्या निकालेंगे, नंबर वन सिंगल डाई, इसको सी वन मान लो, सी टू मान लो, सी थ्री मान लिया, सी फोर मान लिया, सी वन सी टू कैसे पैरेलल है, तो सीरीज में है, C1 एंड C2 आर इनके हो गए सीरीज, कितना हो जाएगा, 1/C' 1/C1 1/C2 1/8 1/4 कितना आएगा, 8 हो गया LCM, 1+4 2 गया अर्थात 3/8 आया, कितना सीरीज आया, 8/3 या पार्ट देखो भाई माइक्रो फैराड, फिर क्या हो जाएगा, इसको C3 माना, इसको C3 एंड C4 आर इन सीरीज, क्या हो गया 1/C" 1/C3 1/C4 आ गया ना 1/3 1/6 कितना आ गया, एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ 2 यहाँ +1 3/6 C" कितना आया 6/3 कितना आ गया 2 माइक्रोफेरड, देन क्या है, देन बोथ C' एंड C4 कैसा हमारा है फाइनली आ गया ना, अब फाइनली देखो क्या फाइनली है, फाइनली C' एंड C" आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, देयरफॉर सी इक्वल कितना गया C' प्लस C" कितना आ जाएगा, ये आ गया 8/3 प्लस हो गया 2 कितना है 8/3 प्लस कितना हो गया 6/3 हो जाएगा ना 14/3 माइक्रो फैराड इक्विवेलेंट आ गया, क्लियर, चलो अब क्या आते हैं, अब निकालते हैं हमारा कैपेसिटर निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, फिर देखते हैं कितना आएगा इस पे वोल्टेज, निकाली वोल्टेज निकाली मिटा इसको, इसे क्लियर, वोल्टेज क्या चाहिए, चार चाहिए ना, सिंपल सा क्या चाहिए, चार सीधे कितना आया बोलो, मुझे इसका कितना आया है बोलो, 8/3 इसका आया है माइक्रो फैराड, यहाँ कितना आया है सिलेबल डेज 2 आया है, चार्ज निकालो इस ब्रांच कितना आएगा, चार्ज वाले कितना इस ब्रांच में है, सेम रहेगा 2 डेज, यहाँ चार्ज क्या रहेगा 2 डबल डेज, चार्ज कितना हो गया, तो क्या देखोर चार्ज हो जाएगा क्यू डेज, पहले ब्रांच में कितना आएगा भाई, क्यू इक्वल टू क्या होता है सी डी होता है, तो यहाँ क्या हो गया सी डेज इंटू बी, सी डेज कितना आया था 8/3 माइक्रो फैराड इंटू क्या हो गया 12 ना, यहाँ इंटू करो भाई 4 कितना आ गया, ये हो गया 8/4 = 32 माइक्रो कूलम चार्ज हो गया, क्यू डबल डेज निकालो फिर से, इसमें देखो 2 आया है, यहाँ वोल्टेज का कितना है 12 वोल्ट है, कितना चार्ज आया क्यू डबल डेज C" इंटू बी आ जाएगा, तो कितना आया, ये हो गया 2 माइक्रो फैराड इंटू हो गया कितना 12 वोल्ट, कितना आया ये 24 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा, देखो चार्ज क्या है, जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज यहाँ वही चार्ज, चार्ज हम बराबर होगा पता है, अर्थात जो चार्ज यहाँ वही चार्ज यहाँ जाएगा, चार्ज मालूम हो गया, अब निकाल लो बीसी माइनस कितना है, देयरफॉर वोल्टेज निकाल लो, देयरफॉर बीसी माइनस बीवी कितना हो गया, क्यू इक्वल टू कितना सीबी होता है, इक्वल टू क्यू अपॉन सी आ जाएगा,
कितना आया क्यू डैश अपान सी, सी कितना हमारा है वहां पे सी टू, क्यू डैश कितना भाई है क्या गया 32 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम है माइक्रो यहाँ वहां 4 माइक्रो फैरड है, कितना आया 8 वोल्ट आ गया, क्लियर हुआ। फिर से निकालेंगे क्या सिमिलरली बी डी माइनस बी बी कितना आएगा क्यू डबल डैश अपान सी 4, क्यू डबल डैश कितना है 24 है अपान 6 है, कितना आया 4 वोल्ट आ गया। एवरीथिंग क्लियर, 4 वोल्ट आया ना, हमने इसमें चार्ज निकाल लिया, इसमें चार्ज निकाल लिया, जब चार्ज निकलना जाएगा हमें देखो क्या चाहिए वोल्टेज से, क्या चाहिए यहाँ सी दिया है अगर की मालूम हो जाए ठीक है, क्योंकि पहले दोनों वोल्टेज, पहले दोनों वोल्टेज क्या होता है आपस में बराबर होता है ठीक है ना, समझ आया ठीक, तो वोल्टेज दोनों बराबर हो गए, दोनों चार्ज निकालो, जब चार्ज मालूम जो चार्ज यहाँ वही चार्ज यहाँ जाएगा, चार्ज क्या चाहिए हमको इसका इक्विवेलेंट का बैलेंस चाहिए, जो निकाल चुके हैं इसका चाहिए इक्विवेलेंट, यहाँ निकाल चुके हैं ठीक, तो सोचिए इस बात से तब निकल जाएगा आराम से। अब देखो क्या निकालना, क्या हमको निकालना है बी सी माइनस बी डी, इधर निकालना है दो घटा दो, जब मान लो क्या होगा बी सी माइनस बी डी, बी डी माइनस बी बी दो कट जाएगा ना, दो माइनस करो क्या देखो क्या देखो क्या हो गया बी सी माइनस बी बी माइनस बी डी ना, बी डी माइनस बी बी कितना भाई आएगा 8 माइनस 4 आ गया ना, कितना आया इस बार से बी सी माइनस बी बी माइनस बी डी प्लस बी बी इक्वल टू 4 वोल्ट, अर्थात बी डी बी डी जाएगा कट, हाँ भाई कट कर दिया उल्टा कर दिया, यहाँ बी डी बी बी जो कट जाएगा क्या मिला बी सी माइनस बी डी इक्वल टू कितना 4 वोल्ट आ गया, इस बार से क्वेश्चन निकाला जाता है। आई होप दिस क्लियर, समझ आया ठीक है, चलिए अच्छी बात है समझ आ गया आपको, इतना करिए फिर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे अगले वीडियो में ठीक है, ओके थैंक यू।